be strong. क्या आपने कभी किसी ईगल को दूसरे जानवरों पर जानलेवा हमला करते हुए देखा है? क्या आपने कभी बाज पक्षी को सांप का शिकार करते हुए देखा है? ये सभी बातें शायद आपने सुनी तो बहुत होंगी लेकिन देखी नहीं होंगी। इसीलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं ईगल और हॉक के दूसरे जानवरों के साथ ऐसे बैटल्स जिनको देख कर आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे आसमान में उड़ने वाला कोई पक्षी इतना ताकतवर हो सकता है कि वो अपने से वजन में ज्यादा बड़े जानवरों को हवा में लेकर उड़ भी जाता है और उनकी बोटियां नोच कर उनको खा भी जाता है। तो हो जाइए तैयार बाज और ईगल के साथ दूसरे जानवर के कुछ खूंखार लड़ाई देखने के लिए। इससे पहले कि हम आपको वो घमासान युद्ध दिखाना शुरू करें, आपको ईगल और हॉक के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है। ईगल साइज में बड़े और काफी पावरफुल बर्ड्स होते हैं जिनके सिर और चोंच पत्थर से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। साथ ही इनके ताकतवर पैर और पंजे उनके शिकार के चीथड़े उड़ाने में उनकी मदद करते हैं। अगर बात करें इनकी सबसे बड़ी ताकत की तो वो है इनकी आंखें। इनकी आंखें इंसानों से 3 गुना ज्यादा साफ और दूर की चीजों को देख सकती है। अब आपको बताते हैं इनका बॉडी मास कितना होता है। अलग अलग प्रजाति के हिसाब से ईगल्स में किसी का साइज बड़ा होता है तो किसी की लंबाई, तो वही किसी और प्रजाति के पंखों की लंबाई सबसे ज्यादा होती है। स्टेलर सी ईगल का वजन सबसे ज्यादा 6.7 किलो होता है। वही फिलीपीन ईगल की लंबाई सबसे ज्यादा 3 फीट 3 इंच होती है। इसके अलावा व्हाइट टेल ईगल के पंखों की लंबाई सबसे ज्यादा होती है जो 7 फीट 2 इंच है। इतने सारे फीचर्स के साथ ही इनके पास 45 से 51 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने की एक स्पेशल पावर भी होती है। अब आपको दिखाते हैं ईगल के दूसरे जानवरों के साथ कुछ बैटल ऑफ्स, ईगल वर्सेस रैबिट। वैसे तो इस वीडियो में पिछली वीडियो के मुकाबले शिकार होने वाला जानवर थोड़ा छोटा है लेकिन ये वीडियो काफी मजेदार है जिसे आपको एक बार देखना तो बनता है। इसमें आप देखेंगे कैसे एक खरगोश अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ साथ दिमाग भी लगा देता है। यहाँ एक चील एक खरगोश को शिकार बनाना चाहती है और खरगोश पूरी जान लगाकर जितनी तेजी से हो सकता है दौड़ रहा है। साथ ही वो ईगल को चकमा देने के लिए जिगजैग पोजीशन में भी भाग रहा है। एक बार तो चील लगभग खरगोश को पकड़ने ही वाला होता है लेकिन खरगोश फुर्ती दिखाता हुआ कूद कर वहाँ से निकल जाता है और शायद ये बात ईगल के ईगो को हर्ट कर देती है और फिर वो ऐसी कोई गलती नहीं करता जिससे दोबारा उसको खरगोश के हाथों मात खानी पड़े। वो आखिरी बार ईगल वर्सेस फॉक्स। आसमान में उड़ रहे इस ईगल को खाली पड़े एक मैदान में एक फॉक्स दिखाई दे गया और ये ईगल लग गया उसको अपने शिकार बनाने की कोशिश करने में। तेजी से उड़ता हुआ ईगल कई बार जमीन की तरफ फॉक्स पर झपट्टा मारने के लिए आता है लेकिन फॉक्स बच निकलता है। एक बार ईगल फॉक्स पर पंजे गड़ाकर उसको लेकर उड़ने ही वाला था लेकिन न जाने क्या हुआ कि उसकी एक कोशिश नाकामयाब रही और एक बार दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। जहां चील लोमड़ी पर पंजों से हमला करने की तैयारी में है तो वहीं दूसरी तरफ लोमड़ी भी खुद को बचाने की पूरी कोशिश में है लेकिन ये कोशिश ज्यादा देर तक काम नहीं आती और फॉक्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ईगल वर्सेस शार्क। अभी तक आपने देखे ईगल के जमीन पर शिकार करने के कारनामे, अब आपको बताते हैं ईगल के पानी में शिकार करने के हुनर के बारे में। ईगल छोटी मछलियों का शिकार तो करते रहते हैं लेकिन कई बार ये कुछ ऐसा शिकार करते हैं जिसकी वजह से चर्चा का विषय बन जाते हैं जैसा कि इस वीडियो में। यहाँ एक ईगल ने शार्क का शिकार किया है। वैसे तो ये कोई बड़ी शार्क नहीं है लेकिन अगर ईगल से कंपेयर करें तो काफी बड़ी है। ईगल इसको अपने पंजों में दबाकर पहले तो समुद्र के चक्कर लगाता है और फिर उसको आसमान में काफी ऊपर लेकर उड़ जाता है। ईगल अपनी तेज नजरों से पानी की सतह पर तैर रही मछलियों को दूर से ही देख लेते हैं और तेज स्पीड में आकर उनको पंजों के सहारे ले उड़ते हैं। जानवरों पर ही नहीं ईगल को कई बार इंसानों पर भी हमला करते हुए देखा गया है जिससे लोगों की जान तो नहीं जाती लेकिन वो लोग बुरी तरह घायल जरूर हो जाते हैं। तो ये बात हुई ईगल की। अब आपको बताते हैं बाज यानी हॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और दिखाते हैं हॉक के जानवरों पर हमले के कुछ वीडियोस। हॉक्स ईगल से साइज में छोटे होते हैं जिसमें सबसे बड़े फर्यूजनिस हॉक की लंबाई करीब 20 से 27 इंच तक हो सकती है और इनके पंखों की लंबाई करीब 4 फीट 8 इंच होती है। अगर बात
बात करें ताकत की तो ईगल हॉक से ज्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि उनका साइज हॉक से बड़ा होता है। लेकिन हॉक्स के पास एक अच्छी ग्रिप होती है जो उनके शिकार को पकड़ने में मदद करती है। इसके अलावा जहां एक तरफ ईगल बड़े आकार के होने की वजह से करीब 6 किलो तक वजन के साथ हवा में उड़ सकते हैं, वहीं हॉक्स अपने छोटे साइज की वजह से ज्यादा बड़े शिकार पर जल्दी से हाथ नहीं मारते। ये छोटे छोटे पक्षियों, चूहे, स्क्विरल्स और कभी कभी बिल्ली और ऐसे ही दूसरे शिकार को अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं जो इनके पंजों में आसानी से आ सके। लेकिन फिर भी कई बार ये हॉक खतरों के खिलाड़ी बनकर बड़े जानवरों पर भी हमला कर देते हैं। तो अब देख लेते हैं कैसे बाज पक्षी दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। हॉक वर्सेस कैट। इस वीडियो में आपको शिकार और शिकारी के बीच जदोजहद देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ शिकारी हॉक पहले से ही बिल्ली पर कब्जा जमा चुका है और उसको लेकर बैठा है। शुरुआत में तो कुछ देर बिल्ली छटपटाती दिखाई देती है लेकिन कुछ देर के बाद खुद को बचाने की बिल्ली की कोशिश बंद हो जाती है। थोड़ी देर शिकार को अपने पंजों में लेकर हॉक बैठा रहता है और फिर उसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। सबसे मजेदार चीज तो वीडियो के एंड में देखने को मिलती है, जहाँ ये हॉक बिल्ली को मारकर बैठा होता है वहाँ एक बोर्ड पर लिखा होता है, मस्ट स्टॉप किलिंग ईच अदर। क्या कमाल की बात है, ये तो वही बात हो गई कि किसी ने पुलिस स्टेशन के सामने चोरी कर ली। हॉक वर्सेस स्नो गूस। अब आपको दिखाते हैं हॉक और स्नो गूस के बीच में चल रही कुश्ती की एक वीडियो। दोनों ही पक्षियों का साइज लगभग एक बराबर ही है और दोनों के बीच में कुश्ती चल रही है। हॉक तो अपना शिकार पाने के चक्कर में हमले पर हमले किए जा रहा है, वही स्नो गूस अपनी जान बचाने के लिए हमले कर रहा है। दोनों ही एक दूसरे पर चोंच और पंखों से वार कर रहे हैं। कभी हॉक स्नो गूस पर चोंच से हमला करता है तो स्नो गूस खुद को हॉक पर पंख मार कर छुड़ाने की कोशिश करता है। वही जब यही स्नो गूस हॉक के साथ करता है तो हॉक अपने पंख चलाना शुरू कर देता है। लेकिन ये कुश्ती ज्यादा देर तक नहीं चलती और आखिर में स्नो गूस ये कुश्ती हार जाता है और विनर बनता है हॉक। हॉक वर्सेस स्नेक। अब आपको दिखाते हैं इन दोनों के बीच में हुई एक शानदार लड़ाई का वीडियो। यहाँ हॉक ने एक सांप को अपने पंजों में दबाया हुआ है और सांप भी कोई कमजोर नहीं बल्कि अच्छा खासा लंबा चौड़ा है। सांप खुद को बचाने के लिए बास को जकड़ने की कोशिश करता है और बड़ा सा मुंह खोलकर उसको काटने की भी कोशिश करता है, वो भी एक बार नहीं कई बार, जिसका जवाब बास सांप के मुंह पर चोंच मार कर देता है। ये बार बार सांप के ऊपर अपनी चोंच से वार करता है और सांप को बुरी तरह घायल कर देता है। एक बार तो बास सांप के मुंह के अंदर भी अटैक करता है, जिससे देखकर पता लगता है कि बास को कितना गुस्सा आता है। इसी तरह गुस्से में हॉक कई बार सांप की बॉडी पर अलग अलग जगह पर अपनी चोंच से हमला करता है। ये शायद चेक करने के लिए होता है कि उसका शिकार जिंदा है या मर चुका है। हॉक वर्सेस इगुआना। कई बार बाज इतना खतरनाक शिकार चुन लेते हैं जिनको देखकर लगता है शायद आज तो बाज का हमला उस पर ही उल्टा पड़ेगा, क्योंकि इस बार बाज करना चाहता है छिपकली की एक प्रजाति इगुआना पर हमला। यहाँ इगुआना का काफी बड़ा झुंड चट्टानों पर बैठा है, वही एक बाज भी आकर बैठ जाता है जिसको देखकर एक एक करके सभी इगुआना अपने अपने बिलों में जाने लगते हैं। लेकिन अब बाज यहाँ आया है तो कुछ तो लेकर ही जाएगा, तो ये एक इगुआना के पीछे पड़ जाता है और उस पर अपने पंजों से हमला कर देता है। एक बार तो बाज इगुआना के सर के ऊपर ही पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाता है और उसको मारने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। ये ताकत बेकार नहीं जाती और आज इगुआना बास के लिए खाना बन जाता है। हॉक और ईगल दोनों ही ऐसे पक्षी हैं जो अगर शिकार पर हमला कर दे तो उनकी जान लेकर ही पीछे हटते हैं, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं। कई बार जब ये जानवरों को अपना खाना बनाने की मेहनत कर रहे होते हैं तब उनका शिकार ही उन पर भारी पड़ जाता है और ईगल और हॉक की ही जान चली जाती है। ऐसी चीजें ज्यादातर तब होती है जब ये सांप या किसी बड़े जानवर पर हमला करने की गलती कर बैठते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, और आगे भी सबसे पहले देखते रहिए ऐसे ही कुछ अमेजिंग वाइल्ड लाइफ वीडियोस, वो भी हिंदी में।